हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है क्या रक्त। ठीक, तो हम लोग जानेंगे कि रक्त क्या होता है और इसके कितने पार्ट हैं। तो मुख्यतः जो खून होता है, जो रक्त होता है, वो शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बहुत मुख्य अवयव होता है शरीर का। ठीक है, यह मुख्यतः क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, और इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, जिसे हम समझेंगे किस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो ब्लड होता है उसके मुख्यतः दो भाग हैं। एक भाग होता है सॉलिड, एक भाग होता है लिक्विड। जो सॉलिड भाग होता है, यानी कि जो ठोस भाग होता है, उसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं। एक भाग होता है WBC, एक भाग होता है RBC, और सबसे अंतिम भाग होता है, उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। यानी कि WBC को कहते हैं श्वेत रक्त कण, RBC को कहते हैं लाल रक्त कण, और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो होते हैं पट्टिकाओं। ठीक है, हम इसको इस तरह से समझेंगे कि मान लीजिए कि एक नहर है। ठीक है, और उसके अंदर जो क्या है कि अलग अलग दोनों तरफ का जो पट्टी होता है, इस वक्त जो जून का महीना आने वाला है, तो अभी तो सूखा है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह समझेंगे कि नहर में कुछ पानी नहीं है। इस प्रकार ये जो नहर है वो हमारे नस और हमारी सिराएँ होती हैं। ठीक है, और उसमें जो कंकड़ पत्थर पड़े होते हैं वो क्या है, वो तो WBC है, और क्या है वो RBC है। ठीक है, अब जो बड़ा बड़ा पत्थर हम, या छोटे छोटे पत्थर जो मन वो कह सकते हैं। ठीक है, जो मान लीजिए कि एक बड़ा पत्थर हो, उसको सारे को क्या बोलेंगे, RBC बोलेंगे, और जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको WBC को कहते हैं। RBC का मुख्यतः यह काम है कि यह क्या ऑक्सीजन को हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वहाँ तक तो पहुँचाने का काम करता है, जिससे कोशिकाएँ क्या होती हैं, जिंदा रह पाती हैं। वहीं पर WBC हमारे शरीर में सिपाही का काम करता है, ये सोल्जर होता है, जो हमारे शरीर को बाहर के रोगाणुओं से क्या करता है, रक्षा करता है। और जो पट्टिकाणु होते हैं, यानी कि जो प्लेटलेट्स होते हैं, वो बिल्कुल उस नहर के पगडंडी की तरह होता है, जो क्या करता है कि जो नहर का जो पानी है, और वो उसको क्या करता है, बाहर निकलने से, यानी रक्त को बाहर निकलने से रोकता है। और ये काम जो रक्त का, जो नहर का जो पानी होता है वो होता है, हम इसको इस तरह से समझेंगे कि ये एक लिक्विड पार्ट होता है, और हमारा शरीर का लिक्विड पार्ट जो होता है, जो खून का, वो होता है प्लाज्मा, जो कि पूरे के पूरे रक्त का कितने परसेंट होता है, तो 45.5%। अभी जो कोरोना का इतना महामारी का चर्चा हो रहा है, उसमें प्लाज्मा थेरेपी की चर्चा हो रही थी। ये हमारे शरीर का लिक्विड भाग होता है, तो इसका यही काम है कि ये माध्यम प्रदान करता है शरीर में जो खून के जो कण होते हैं, सॉलिड कण, यानी कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स, उस पर यह क्या करता है, मीडियम का काम करता है, माध्यम देता है, जिससे क्या करता है, होता है कि RBC और WBC चलायमान हो पाते हैं। ये शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम कौन कराता है, तो ये प्लाज्मा ही अपने अंदर सुचारू रूप से करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये क्या जान लिए कि खून की क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स हैं, और ये मुख्यतः हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टरी सिस्टम का भाग होता है। ठीक है, तो आज अभी के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी जल्दी इस वीडियो को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, रोज़ एकदम नया नया खबर मिलता रहेगा और नए नए टॉपिक की जानकारी मिलती रहेगी। आज हम लोग जान गए खून के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।